जापान में कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को हमेशा स्टेशन पे छोड़ने जाता और जब वो वापस आते तो उन्हें स्टेशन पे लेने भी जाता। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलते रहा। एक दिन वो कुत्ता अपने प्रोफेसर मालिक को छोड़ने गया, लेकिन जब वो वापस लेने गया तो प्रोफेसर वापस ही नहीं आए, क्योंकि प्रोफेसर की क्लास लेते वक्त हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो वफादार कुत्ता 10 साल तक लगातार अपने मालिक का वहीं पे इंतजार करते रहा और इंतजार करते करते उसी जगह पर उसकी मृत्यु हो गई। और आज जापान में उसी जगह पर उस कुत्ते का स्मारक भी बनाया गया है। उस कुत्ते का नाम है हचिको। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि जिसे आप बहुत प्यार करते हैं उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, और वफादारी क्या होती है आप इन बेजुबान जानवरों से सीख सकते हैं। आप लोगों ने बिल्ली को तो अक्सर कुत्ते से डर के भागते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कुत्ते को बिल्ली से डर के भागते हुए देखा है? हुआ कुछ यूं कि कैलिफोर्निया में जेरेमी नाम का एक बच्चा अपने घर के बाहर साइकिल पर खेल रहा था। अचानक से पड़ोस से कुत्ता आया और उसने उस बच्चे पे हमला कर दिया और उसका पैर अपने जबड़े में दबोच लिया और उसे काटने की कोशिश करने लगा। इतने में जेरेमी की पालतू बिल्ली तारा आई और उसने उस कुत्ते पे छलांग लगा दी। इसके बाद उस कुत्ते ने डर के जेरेमी का पैर छोड़ दिया। ना सिर्फ ये, उस बिल्ली ने उस कुत्ते को दूर तक धकेला भी। जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पे डाली गई, वो रातों रात वायरल हो गई। उसके बाद उस तारा बिल्ली को बहुत सारे अवार्ड दिए गए और आज उसे कैट हीरो कैट के नाम से जाना जाता है। गाइस, यहां सीखने लायक बात ये है कि आप बाहर से चाहे कुछ भी हो, अंदर से आप अपने आप को कैसा मानते हो मायने सिर्फ उसी बात के ही हैं।